अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ। मर हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, लोग तो कहेंगे। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे सोसाइटल प्रेशर और टैबूज़ के बारे में हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के साथ। आज का हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। जी हाजरा, बताएंगे आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे? जी आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से कि 95% ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी पॉइंट पर सुना ही होगा और उनको अच्छा भी नहीं लगता। वो है जी कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, जो हमारी सोसाइटी में एक बड़ा कॉमन सेंटेंस है जो हम किसी को भी कह देते हैं कि बहुत मोटी हो गई हो, तुमने वेट गेन कर लिया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम तो किसी को ये बात कर देते हैं लेकिन उसका उस बंदे पे क्या इफेक्ट पड़ता है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे पास जो केसेस आते हैं, अगर मैं बात करूँ कि 80% केसेस ऐसे आते हैं जिसमें मेरे पास ख़वातीन इवन मर्द हज़रात भी आके वो यही कहते हैं कि हमने अपना वेट कम करना है, हम बहुत मोटे हो गए, हमें लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर है इस बारे में और अपने बारे में भी दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। एग्जैक्टली। अब इसमें यह है कि ठीक है, मोटापा आप देखा जाए तो एक फिजिकल हैंडीकैप वैसे भी है क्योंकि जब एक बंदा मोटा होता है तो उसको काफ़ी चीज़ें करने में दुश्वारी होती है। इसके साथ साथ फिर जो पेशेंट्स आते हैं उनमें एक और चीज़ मैंने नोट की है, डिप्रेसिव ईटिंग बहुत ज़्यादा। मतलब अगर बंदा ज़्यादा खा रहे तो वो अपने वेट की वजह से ही इज़ नॉट फीलिंग वेल और उसमें ये होता है कि उस डिप्रेशन में जब आपको अपने इमेज के बारे में यार कॉन्शियस एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप उस टाइम पे अपने आप को छोड़ देते हैं और आप कहते हैं अच्छा बस सब कुछ जाए, मैं जो हूँ बस मैं खाता जाऊँ। एग्जैक्टली। अच्छा ये बहुत ज़्यादा होता है और स्पेशली मेरा ख्याल है जब हम यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखते हैं 10 दिन में आप एग डाइट कर ले तो आपका वेट इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और ये चीज़ें मेरा ख्याल है ज़्यादा हम लोगों का इमेज खराब किया हुआ है। अच्छा इन वीडियोज़ के बारे में अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, हम लोगों को बहुत आदत पड़ गई है शॉर्टकट्स की। अब एक वीडियो आती है जिसमें आता है कि जी आपने एक महीने में 10 के जी वज़न कम कर लेंगे, 20 के जी तक वज़न कम कर लेंगे, तो पेशेंट इस माइंडसेट के साथ मेरे पास आते हैं कि हमने भी इतना वज़न कम करना है एक महीने में, रिगार्डलेस कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसकी आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। और वो सारा ये चीज़ जो है ना हमारी सोसाइटी पे आती है कि सोसाइटी की तरफ से उन पर प्रेशर इतना ज़्यादा डाला जाता है कि आपने अपना वज़न कम करना है। अब पेशेंट्स कैसे आते हैं कि हमने शादी आ रही है फलां कज़न की या फलां रिलेटिव की, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर लगानी है। पहले हम इस तरह से अब उसमें कहीं अपने अपनी बेटरमेंट की बात नहीं हो रही, कहीं लोग ये कॉन्शियस नहीं है कि हमने अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, हमने लोगों को दिखाना है। एग्जैक्टली, वजन कम करना है हमने लोगों को दिखाने के लिए और वो सारे जो एक साइकिल चल रहा होता है। और फिर इस तरह की वीडियोस देख के जब वो आते हैं, और अच्छा वो एक और डिप्रेशन कि जी मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखी हैं 10 से 15 kg वजन कम हो गया, मेरा तो ज्यादा कम नहीं हो रहा। Exactly. मेरा क्यों 3 से 4 kg। एक वो जो है ना ग्रेटिट्यूड नहीं है कि अगर 3 से 4 kg आप एक महीने में कम हो रहा है तो ये बहुत अच्छा, दैट इज रिकमेंडेड। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जी बहुत कम, पता नहीं हमें खुश भी हूँ। अब मेरा एक पेशेंट थी, शी लॉस्ट लाइक 4 kg इन अ मंथ एंड दैट इज रिकमेंडेड। तो वो कहती है कि आई सेड कांग्रेचुलेशंस, आपने बड़ी अच्छी एफर्ट पुट इन की है, बड़ा हेल्दी तरीके से वेट कम किया। एंड शी वॉज लाइक के पता नहीं मुझे खुश भी होना चाहिए कि नहीं। तो जो ये चीज़ें ना इसमें से निकलें, एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड लेकर आए अपने अंदर, यही मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली। कि अगर लोग आपको फोर्स कर रहे हैं वजन कम, ठीक है वजन कम करना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन आप उसको हेल्दी तरीके से लेके चलें। अब इस पॉइंट पे मैं कहती हूँ कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। अब साइकोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि साइकोलॉजिस्ट के पास वही बंदा जाता है जिसका दिमाग ख़राब है, साइकोलॉजिस्ट के पास वही बंदा जाता है जो पागल है। अब आप क्लियर करें कि क्या ऐसा है, और दूसरा कुछ लोगों को ये भी फियर है कि हमें मेडिसिन दे दी जाती हैं। Exactly. तो इसके बारे में क्या कहती हैं आपके साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है इसमें? अच्छा हाजरा, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अब देखें, आपकी मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली हर इंसान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कैथारसिस के लिए एक नॉर्मल इंसान को भी अपने डे टाइम में एक प्रॉपरली रात को सोने से पहले कैथारसिस करना ज़रूरी है, लेकिन हम समझते हैं अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो इट मीन्स मैं पागल हूँ। ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो खुदारा इस चीज़ से निकलें। दूसरी चीज़ बिल्कुल देखें, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है मोटी हो गई हो, इवन मैं खुद भी सुनती हूँ अक्सर औकात मुझे ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं, लेकिन वही चीज़ है अगर हम उसे बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात पे एम्फेसाइज करेंगे तो हमारी बाकी चीज़ें स्नैप हो जाती हैं। हम लोगों के डर की वजह से खाना छोड़ देते हैं, हम काम करना छोड़ देते हैं, अपने आप को बिल्कुल एक रूम में बंद कर लिया ताकि लोगों से मैं मिलूँ ही ना, और वो जो लोगों से ना मिलना, लोगों से इंटरेक्ट ना करना, एक डिप्रेशन में चला जाना, वो ज़्यादा डिप्रेसिव है और वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है मेल्स हजरात से ज़्यादा, मर्दों से ज़्यादा ये चीज़ हमें ख़वातीन में मिलती है, क्योंकि हम लोगों की उस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती
होती है, हम लोग घरों में काम कर रहे हैं, वर्किंग भी हैं, तो ज़्यादा देर बैठने की वजह से हमारा एक लाइफस्टाइल बड़ा डिस्टर्ब हुआ है. अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग. अगर मैं हेल्दी हूँ या मैं हेल्दी के एक स्केल से आगे जा रही हूँ ओबेसिटी की तरफ, तो आई हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि मुझे ये प्रॉब्लम है. ठीक है, इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं बनाना कि लोग क्या कहेंगे. वही बात है, लोगों का काम है कहना, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है. दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा सोसाइटल प्रेशर. देखिए सोसाइटल प्रेशर हर चीज़ में, अगर आप खुश भी हैं तब भी सोसाइटी में लोगों ने आके कहना है. अब यहाँ पे एक बड़ी मज़े की एग्जांपल है. आज मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी शादी होने वाली थी कोई आप कह लें 4 से 5 माह में, तो उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे, और उसके जब मैंने ट्रिगरिंग फैक्टर देखा तो वो यही वजह थी कि उसकी इन लॉज की तरफ से प्रेशर था, उसके घर वालों की तरफ से प्रेशर था कि यू हैव टू लुक लाइक स्लिम, एक बार्बी डॉल बन जाए. तो ऐसा नहीं हो सकता, हर एग्जैक्टली हर इंसान की बॉडी बोन चेंज. अच्छा, मीडिया ने भी ना इसमें बड़ा एक रोल प्ले किया है कि हमारा ना, हमने एक आइडियल फिगर बना लिया है. एग्जैक्टली, और हर लड़की को हम कहते हैं कि उसने उस फिगर में फॉल करना है. बिल्कुल, ये बहुत गलत चीज है और ये बहुत गलत प्रैक्टिस है जो हमारी सोसाइटी में हो रही है. इसको एक तो रोकना है, और इसकी वजह से जो मैंने देखा है कि लोग फिर अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स की तरफ जाते हैं. बिल्कुल, एक तो वैसे ही डिप्रेशन में होते हैं, फिर अनहेल्दी खाना शुरू करते हैं, उससे उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है. और जो मैंने ऑब्जर्व किया कि उनको पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है. बिल्कुल, अब जब वो आपके पास होते होंगे फिर आप डायग्नोस करती होंगी कि उनको डिप्रेशन है. क्योंकि देखिए हर एक इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज है. अब मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ब्रॉड है, आपका थोड़ा स्मार्ट स्लिम में है, तो इसका डजंट मीन कि हर इंसान का इस तरह से हो सकता है. हम अपनी बोन्स नहीं काट सकते. हमारे जब क्लाइंट्स आते हैं ना, वो आकर ये कहते हैं कि जी मेरा तो दिल करता है फिर मैं खुद को मार लूँ. मतलब इतनी इस हद तक हम सोसाइटी का प्रेशर लेते हैं कि हमें लगता है कि मुझे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए. तो यहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है. अगर मैं हेल्दी हूँ तो आई हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, लोग कह रहे हैं या तो दो काम है, हम डिनाइल में चले जाएंगे या एक्सेप्टेंस में. अगर तो हम एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट हम एक प्रॉपर पैटर्न की तरफ जाएंगे. अगर हम डिनाइल में जा रहे हैं, हम ज़बरदस्ती और चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि लोगों ने नहीं बाज आना, मुझे नहीं अपनी ज़िंदगी चाहिए ही नहीं है, मुझे इसको ख़त्म कर लेना चाहिए, तो हम इस तरह से अनहेल्दी बिहेवियर्स, उसमें भी आप कह लें ईटिंग डिसऑर्डर्स काफ़ी आ जाते हैं, ब्लूमिया नर्विस और डिफरेंट हैं यहाँ पे. बल्कि आपकी ओपिनियन भी मैं लेना चाहूँगी कि जब हमने एक एक्सेप्टेंस का फेस, अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करते हैं, मैंने एक सोच लिया है कि मुझे अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है एक अनहेल्दी से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, तो उसमें क्या प्रॉपर डाइट प्लान होता है या क्या एजेंडा होता है? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा मेरे से पूछा है. अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब पेशेंट्स आते हैं मेरे पास तो उनको लगता है कि डाइटिंग करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ yes. है. हम इस एरा में हैं कि हम हेल्दी खाने को हमने डाइटिंग का नाम दे दिया. एग्जैक्टली, अगर आप न्यूट्रिशन की बुक्स में देखें तो न्यूट्रिशन की बुक्स में डाइट का वर्ड कहीं नहीं है. वो कहते हैं कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है. अब लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहले आपने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ आना है, दूसरा आपने एक्सरसाइज करनी है. अब आप साइकोलॉजिस्ट ने आपको पता होगा कि एक्सरसाइज करना कितना जरूरी yes, है मेंटल हेल्थ के लिए. मेंटल अब यहाँ पे मैं आपकी बात कट कर रही हूँ कि इवन फिजिकल हेल्थ हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हॉर्मोन्स को रिलीज करती है जिससे हमारे स्ट्रेसर्स बाहर निकलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग. यस, यानी हमारा डोपामिन लेवल इतना हाई होता है. तो ये तो हम साइकोलॉजिस्ट भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपकी डेली रूटीन में एक फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है. और उसमें आप जा रहे हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, वो स्वेटिंग किसी फॉर्म में भी, स्विमिंग बहुत अच्छी है, आपकी वाटर थेरेपी भी हो जाती है. मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि यू हैव टू मूव योरसेल्फ, देयर इज नो शॉर्टकट. ये जो आप टीवी पे देखते हैं ना, ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूँ तो 1 महीने में 4 to 6 kg अगर आप कम कर लेते हैं दैट इज़ हेल्दी. यस, लेकिन अगर आप 10 kg की तरफ जा रहे हैं, 10 kg कम कर रहे हैं, 15 kg कम कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप हेल्दी डाइट से नहीं कर रहे हैं. आप कुछ शॉर्टकट से यूज़ करें या कुछ ऐसी डाइट करें जिससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी. अब अगर आप पढ़ें इसको, न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ को पढ़ें, तो इसमें हमारी अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होती हैं तो उससे क्या होता है, हमारी डिप्रेशन भी ज़्यादा होती है. yes. अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है, अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन होगा. बिल्कुल. अब ये जो साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन, ये इतने आपस में इंटरलिंक्ड है, और इसलिए मैं कहती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट मिलकर इस पर काम करती है. बिल्कुल. एक तो अपने आपको इस चीज़ से निकालें कि प्रोफेशनल हेल्प लेना साइकोलॉजिस्ट से, ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हमें जब कोई फिज़िकल चोट लगती है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम जाके डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं ना. अगर हमारी कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है तो हम उसका क्यों नहीं ट्रीटमेंट लेते, हमें पता ही नहीं होता कि हमने उसका भी ट्रीटमेंट लेना है. तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट आपके पास है. अगर आपने प्लान लेना है तो नेट से नहीं लेना. नेट पे जाके वो जो होते हैं बहुत लो कैलोरी डाइट प्लान्स जो आपके लिए, जिसमें फाके करने होते हैं, ऐसे प्लान्स नहीं लेना है. आपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास आना है, आपने उनसे कंसल्ट करना है.
हम लोग आप ही की हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल। बट सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना। फोर टू सिक्स के जी, इसमें मैंने कहा कि एक पेशेंट ने कम भी किया बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। एक जो कंटेंटमेंट है ना हमारे अंदर वो नहीं रही। एक्सेप्ट कर लिया वेट ज्यादा, एक स्लो प्रोसेस है। एक स्लो प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है। इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, इसमें आपका अच्छा ईटिंग पैटर्न होगा। मैं जब अपने पेशेंट्स को प्लान देती हूँ ना, मैं उनसे कहती हूँ चलें वजन तो कम होगा, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, कम खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक बाय प्रोडक्ट आपका वजन तो कम होगा, बट उसके साथ आपने मुझे फीडबैक देना है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी इंप्रूव हुई है। एग्जैक्टली। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करें कि नहीं करें, क्योंकि जब आपकी डाइट ही सही नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस आपकी वर्क प्लेस से भी अच्छी नहीं होगी, आपकी घर पर भी अच्छी नहीं होगी, कहीं नहीं अच्छी होगी। बिल्कुल। वो जो सारा आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करती है ना चीज़ें, आपने उसको कैटर करना है। एग्जैक्टली। तो इसमें जिस तरह हम कहते हैं कि जी लोग अच्छा अब दिल पे ले ली बात, सेंसिटिव भी बढ़े हैं कि जी मैं मोटी हो गई हूँ तो अब मैं क्या करूँ, उसमें वंस यू हैव एक्सेप्टेड फिर उसको टाइम दें। इसलिए फिर हम कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है चीज़, बहुत ज़्यादा थॉट्स आपको तंग कर रही हैं, हमने आपको प्लान दे दिए, गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। जिस तरह आपके पास आते होंगे आप देखेंगे उनको सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं लोगों को, तो दिस इज समथिंग कि उस पॉइंट पे देन यू हैव टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि देखें जैसे आपने कहा फिजिकल हेल्थ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट हम जब एक बहुत ज्यादा कैलोरीज अपनी बॉडी से तो निकाल रहे हैं लेकिन एक फिजिकल हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है। अब जब फिजिकल हेल्थ ड्रेन होती है, विटामिंस कम हो रहे हैं, तो वो मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करती है। आपको बिला वजह की उदासी शुरू हो जाती है। बेशक आप पर्सनली सेटिस्फाइड हैं कि जी मेरा वजन तो कम हो गया, लेकिन आपकी जो एक हैप्पीनेस हार्मोन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो हमने ये चीज लाजमी देखनी है। ये जो हमारा एक न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का कनेक्शन है वो इसी वजह से है कि हम एक बैलेंस वे में डाइट प्लान लेकर चल सके। इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप डेली बेस पे हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं क्योंकि माइंडफुल ईटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, माइंडफुल मेडिटेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। हम लोग वॉक एक्सरसाइज करते हैं तो हम कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज का प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और ये सारी माइंड गेम है। वही बात है कि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने अपने आप को एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें वही है कि खाना मुनासिब खाना है, मतलब मॉडरेशन खाना, आप सब कुछ खाएं। मैं तो ये कहती हूँ पेशेंट से कि सब कुछ खाएं बट मॉडरेशन में खाएं और आपका वेट बड़े आसानी से कम हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें जिस तरह आपने कहा है, अब दूसरा पेशेंट आके पूछते हैं हमने कब तक करना है। Yes. कब तक करने की बात नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। ये आपकी थ्रू आउट लाइफ चलेगा। इसको आपने अपना लाइफस्टाइल बनाने का मतलब ये है कि आपने अपनी हैबिट्स ये इनकलकेट करनी है। अब जिस तरह मैंने आप कह रही है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, अब इसमें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही, अल्टीमेटली यू आर गोइंग इन डिप्रेशन। उसमें फिर होता है कि पेशेंट्स से कुछ आते हैं मेरे पास, केसेस ऐसे आते हैं कि ना हम एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, दे आर नॉट विलिंग कि वो कोई एफर्ट करें फिजिकल एक्टिविटी की। वो कहते हैं जी हमें प्लान बता दें, हमें कोई ऐसा डाइट प्लान बता दें जिससे हमारा वजन कम हो जाए, हमें एक्टिविटी ना करनी पड़े। तो ये चीज़ें उनको अब ये समझाना हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है। तो इसलिए फिर हम लोग साइकोलॉजिस्ट को भी रेफर करते हैं कि एक साइकोलॉजी भी उनको समझाए कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ना सिर्फ आपका वजन कम होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। बिल्कुल। वो यहाँ पे कोट है ना, नो पेन नो गेन, वो मेरा ख्याल है वही लगता है। क्योंकि आपको एफर्ट करनी पड़ेगी वजन कम करने के लिए। अब एक बंदा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, उसके एक जो नेगेटिव एनर्जी है थोड़ा सा कथार्सिस होगा, एग्रेशन निकलेगी, वो जो सारी थॉट्स आना घर में बंद रहना वो सारा वो सब निकलेगा उसकी। बड़ी फॉर्म्स हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जो है स्विमिंग कर सकते हैं, आप रन घर में वर्कआउट कर सकते हैं। अब तो वीडियोस आप अगर आप देखें तो वो 1 माइल वॉक होती है, आप घर बैठे बैठे कर लें। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को हिलाएं जुलाएं, एफर्ट करें। जब तक एफर्ट नहीं करेंगे तब तक फिर उससे रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स। वही बात है, डोंट कम विद एक्सक्यूजेस। अगर आप करना चाहते हैं तो यू हैव टू इनिशिएट दिस थिंग, ताकि आप अपने आप को वो जो एक टाइटल लोग देना चाहते हैं ना, मोटी हो गई हो, उस टाइटल से निकाल सकें। क्योंकि हमें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे मिल के काम करना है। तो मेरा ख्याल है उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई और चीज़ जो इसमें आपको लगता है हाजरा हमें अपने ऑडियंस के साथ ऐड करनी चाहिए? अच्छा, इसमें यह है कि जिस तरह हमारा आज टॉपिक है कि बहुत मोटी हो गई हो, एक तो अपनी हेल्थ पे फोकस करें। जब अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे, आप अपनी हेल्थ का ख्याल करें होंगे तो आपको ये चीज़ें इतनी बॉदर नहीं करेंगी। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले रहे हैं, आप डाइटिशियन के पास भी आ रहे हैं और आपको पता है कि आप खुद अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें आप अवेयर होंगे। जिस तरह आपने कहा था माइंडफुल, माइंडफुल जब होंगे ना तो ये चीज़ें आपको इतनी बॉदर नहीं करेंगी। इस पर काम शुरू करें और ओवरऑल अपनी एक हेल्थ को, जिस तरह मैंने कहा था कि हम खा रहे होते हैं लेकिन हमें क्यों खा रहे हैं कि हमारा वजन कम हो जाए, हमारा एक ये मेन पॉइंट नहीं होता कि हमने अपनी
हेल्थ को इम्प्रूव करना है. तो अगर इस पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह की बातें और एक्सरसाइज कर रहे होंगे आप, बिजी होंगे तो आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे. आपको तभी बॉदर करेंगी जब आप अकेले या फारिग बैठे होंगे या आप एफर्ट नहीं कर रहे होंगे. बिल्कुल. और इसमें एक लास्ट चीज़ जो मैं भी ऐड करना चाहूँगी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है आपके फिजिकल हेल्थ, लेकिन जब भी आप अपने आप को इनिशिएटिव लें कि मैंने अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाना है और आप अपना एक गोल अचीव करें, तो अपने आप को अप्रिशिएट लास्ट में करें. हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, हम कहते हैं 1 kg हुआ अभी और होगा तो फिर नहीं. और लास्टली वही चीज़, हेल्दी ईटिंग के साथ माइंडफुल ईटिंग लास्ट में रखें ताकि अपने आपको इस प्रोसेस से आप निकाल सकें. आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. और लास्टली यही चीज़ कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कोई रिव्यू देना चाह रहे हैं स्पेशली हमारे इस टॉपिक के हवाले से, तो आप लोग दे सकते हैं. थैंक यू सो मच.